अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे कि चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एनुटीज़, और मैं आपको फर्स्ट वे की मैथमेटिक्स समझा रही हूँ। अगर आप किसी भी ग्रुप से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं या आर्ट्स या फिर साइंस, आपको इस ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए मैथमेटिक्स की। तो अभी भी चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एनुटीज़। इसकी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी एग्जांपल्स क्लियर करवा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी वो मेरे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है टॉपिक कंपाउंडिंग एम टाइम एयर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, इफ़ इंटरेस्ट इज पेड मोर देन वन टाइम, डेट इज एम टाइम्स, यानी कि एम को डिनोट करा है इन्होंने टाइम से, आ एयर, देन द फार्मूला ऑफ कंपाउंड अमाउंट बिकम एज, ये बिकम, ये हमारा कंपाउंड अमाउंट का क्या है फार्मूला, ए इज इक्वल टू बी और ब्रैकेट वन प्लस आई डिवाइड बाई एम ब्रैकेट क्लोज एम टी। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे फार्मूले में गिवन है, इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरह इसको देखते हैं हम। पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल भी कहलाएगा और ये प्रेजेंट वैल्यू भी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते हैं फाइंड द प्रिंसिपल, जब भी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, तो जब भी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पी किससे डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू से। आई इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, ये रेट कहलाएगा हमारा जो प्रीवियस वीडियो में दूसरी जो एग्जाम्पल हमने पढ़ी उसके अंदर हमने आर से डिनोट करा था रेट को, लेकिन यहाँ हमने आई से डिनोट कर रहे हैं। टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इन ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। अब देखें यहाँ पे वेयर इज एन, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड और आर को डोनेट करा है इन्होंने इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। अब सबसे पहले हम जो एग्जांपल चल रही है हमारी हम उस पर आ जाते हैं। एग्जांपल हमारी है 3.13, क्लियर। तो सबसे पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, अब इन्होंने कहा है प्रेजेंट वैल्यू हमें मालूम करनी है ऑफ 75,000 ड्यू एट एंड ऑफ 4 ईयर्स इफ मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद जो चीज़ें हमें गिवन है हम इसमें वो लिख देंगे। अच्छा, यहाँ हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि प्रिंसिपल हमें गिविन नहीं है, तो हमारी ये वैल्यू क्या कहलाएगी हमारी, ये हमारे कहलाएगा कंपाउंड अमाउंट, क्लियर। तो जिसको हमने ए से डोनेट करा है यहाँ पे हम लिख देंगे 75,000 रिस, और उसके बाद हमें एम इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये देखने वाली चीज़ें ये ऊपर आपको क्लियरली वाजे तौर पर आपको बताई नहीं गई है कि 4 कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करते हैं, देखो उसमें क्या कह रहे हैं। लास्ट लाइन देखने वाली है, मनी इज़ वर्थ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ जो ये वर्ड आ रहा है ना क्वार्टरली, ये क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 4, क्लियर। तो ये क्वार्टरली यहाँ से आया है एम के अंदर। एम हमें किससे डोनेट करा था, मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में अभी स्टार्टिंग में बताया, एम डोनेट करेगा नंबर ऑफ टाइम इन अ ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, ये नंबर ऑफ ईयर है, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 4 क्वार्टरली। उसके बाद हम करेंगे रेट को डोनेट, रेट हम किससे करते हैं, आई से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, अगर आप 8% निकालेंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 0.08, क्लियर। ये हमारा आ गया रेट, और यहाँ पे हमें टाइम कितना गिवन है, 4 ईयर्स, ये 4 ईयर्स हमें गिवन है, तो ये हमारे पास आ गया 4 ईयर्स। उसके बाद हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने, तो हमें पी इज इक्वल टू लिख कर हम क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगानी है, क्लियर। उसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूले के लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला उतारेंगे, फार्मूले की हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम ब्रैकेट क्लोज एम टी। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमें यहाँ कंपाउंड अमाउंट गिविन है, तो हम यहाँ पे उसकी जगह लिख देंगे 75,000 इज इक्वल टू पी, अपनी जगह पे आ गया क्योंकि पी हमें मालूम करना है प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल। 1 प्लस आई हमें क्या गिविन था, आई हमने निकाला है 0.08, तो हमने ये लिख दिया डिवाइडेड बाय एम, हमारे पास क्या है 4, तो हमने एम लिख दिया 4। उसके बाद है एम टी, 4 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू क्या, 4 ईयर, यानी कि 4, क्लियर। अब हम नया स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 75,000 अभी तो फिलहाल एज इट इज़ रहेगा, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1
ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो डिवीजन फॉर्म में 0.08 डिवाइड बाई 4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो हमारा आंसर आया 0.02। क्लियर। अच्छा, यहाँ लिखा 4 4 4 4 4 16, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया इस स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्लियर। देखें, अब ये सबसे पहले हम करेंगे प्लस 0 या डायरेक्टली 1 प्लस 0.02, 0.02 प्लस करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकालें। आंसर निकालने के बाद कैप लगाएंगे, क्लियर। कैप लगाएंगे, कैप लगाने के बाद ये जो हमारा 16 की वैल्यू आई हुई ना, ये हम कैप के स्वरूप में, ज़ाहिर है पावर है, तो कैप लगाए बिना ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो हमने इसका आंसर निकालना है, जिसका आंसर आया 1.7 37 28 72 78 एंड 5। क्लियर। अगर हम चाहे तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, वरना हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अच्छा, वहाँ देखें, यहाँ पे 85 है ना, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी तो ये 86 में कर दूँगी राउंड ऑफ करके, यानी कि एक नंबर बढ़ा दूँगी। और अगर राउंड ऑफ ना करूँ तो मुझे सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ क्या करूँगी, एक नंबर बढ़ा दूँगी। 85 आ रहा था, यहाँ मैं लिख दूँगी 86। क्लियर। अच्छा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई भी शो करते हैं, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पी हमें निकालना है, तो हम पी को हमें इसी का स्टोर से पहले लाना है। क्लियर। 75,000 एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा, ये जो ये वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। 3 7 2 7 8 6। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा हमारी क्या निकल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू 75,000 डिवाइडेड बाय 1.37 27 and 86। तो हमारा आंसर आया 54633.42। क्लियर। ये हम इस तरह अमाउंट लिखेंगे इसका, 54633.42, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमने क्या निकाली, प्रेजेंट वैल्यू। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाएंगे। ये हमने ब्लॉक कर दिया, ये हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर। और इसी के साथ इसके लास्ट एक्सरसाइज की इस टॉपिक की, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स रिस 10,000 वोल्ट अमाउंट टू बी 11,046 एट 2% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि मंथ के जो मिड का पॉइंट होता है ना, यानी कि 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, उसे कहते हैं सेमी एनुअली। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और हम इसका डेटा लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में चीज़ें गिविन है हम उसको पहले डेटा की सूरत में उतार लेंगे। तो हमें यहाँ प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल हमें यहाँ गिविन है, कितना है 10,000, तो हम यहाँ लिख देंगे रिस 10,000। क्लियर। उसके बाद हमें यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट भी गिविन है, ये जो हमारा लिखा हुआ ना अमाउंट, वोल्ड अमाउंट, या कंपाउंड अमाउंट फुल तो शो नहीं करा, लेकिन ये क्या अमाउंट, एक और अमाउंट शो है, तो हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड अमाउंट कहलाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे रिस 10,000। अच्छा, यहाँ अब हम देखेंगे आई हमें गिविन है या नहीं, परसेंटेज की सूरत में गिविन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2% लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसको निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 100 होगा, उसके बाद इसका आंसर बनेगा 0.02। क्लियर। और एम देखेंगे हम, एम हमें गिविन है या नहीं है, एम हमें गिविन है, कहाँ गिविन है, ज़रा क्वेश्चन को देखें दोबारा, ये लिखा हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मीन्स 6 मंथ का पीरियड। अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे, यानी टू वेवेज का डिवाइड किया गया है मंथली, किसको, 12 मंथ को हमने 2 से डिवाइड करा है, तो सेमी एनुअली निकला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और टी इज इक्वल्स टू, यानी कि टाइम हमें गिवन नहीं है, वो हमें मालूम करना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना हाउ मेनी ईयर्स, हमें ईयर्स मालूम करना है, यानी कि टाइम हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे फार्मूले की हेडिंग पे, हम फार्मूला उतारेंगे पहले। फार्मूला क्या है हमारा,
ए इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आई एम और ये आ गया एम टी, क्लियर। उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। कंपाउंड वैल्यूज हमें पता है, गिवन है हमें, वो लिखेंगे इज इक्वल्स टू की एडिंग ऐसी आ जाएगी। ये आ गया यहाँ पर 10,000 प्रिंसिपल की जगह वन फार्मूले का आ गया। आई हमें गिवन है 0.02 की सूरत में डिवाइडेड बाय एम, एम हमें टू ईयर जीबी हमें गिवन है। अब यहाँ हमने टू लिखा, कैसे एम हमें टू गिवन है लेकिन हमें टी गिवन है, तो हमने टी को एज इट इज लिख दिया, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमारा आ गया 46। अच्छा यहाँ पे हमने इजिकस टू के बाद वो 10,000 लिखा हुआ था, हम यहाँ क्या करेंगे इजिकस टू के इस साइड पे आ गए, यहाँ पे किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, यहाँ आके हो जाएगा डिवीजन की फॉर्म में, तो यहाँ हम कर देंगे इसको डिवाइड, क्लियर। इजिकस टू की वैल्यू एज इट इज रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम करेंगे सबसे पहले इस डिवीजन को सॉल्व, किस तरह करेंगे 0.0। तो अब हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टू, वन प्लस जीरो जीरो वन, यहाँ हम जो टू मल्टीप्लाई बाय टी लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे इसको 0.00, बल्कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 11,00046 डिवाइडेड बाय, यानी कि कंपाउंड और प्रिंसिपल को हम डिवीजन कर रहे हैं, क्लियर। तो हमारा आंसर आया 1.1046। फिर हमने इजिकस टू लगाना है, इजिकस टू के बाद इन दोनों को प्लस करना है, वन प्लस 0.02, तो हमारा आंसर आया। अच्छा यहाँ पे टू को टी से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे टू टी इस तरह लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन हटाकर, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है, यहाँ तक तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, सही है, टी ट्रांसफर भी हो गया और हमने इसको इस तरीके से लिख भी दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है, टू और टी के जो ये है ना ये वैल्यूज, इसकी वजह से हमें इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किस तरह करेंगे वो देख लें आप। नाउ टेक लॉगरिथम फॉर्म टू बेस, इसकी बेस इन्होंने कितनी रखनी है, टेन बोथ साइड, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इजिकस टू की वैल्यू एज इट इज लिखना है हमें, क्लियर। अब ये जो ये हमने जो आंसर निकाले हैं 1.046 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर आ गया 1.02 एज इट इज़ आ गया, और ये टू टी भी आ गया जो हमें ऊपर गिवन है, क्लियर। बस हमें लिखना क्या है, यहाँ पर लॉग लिखेंगे, यहाँ पर भी लॉग लिख देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखें लॉगरिथम निकालने का बहुत इजी तरीका है कैलकुलेट की सूरत में, ये देखें, ये भी दिखाएं आप, थोड़ा पीछे करें, ये देखें हम क्या करेंगे यहाँ पर लॉग लिखेंगे पहले, यानी कि जो हमें कैलकुलेटर में गिवन है लॉग, वो हम लिखने के बाद ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बनाने के बाद जो वैल्यू जिस तरह लिखी हुई है एज इट इज हमें उसको कॉपी कर लेना है, क्लियर। अब देखें आंसर हमारा आ रहा है 0.04 3 4 3 2 0 5, सही है, ये हमने लिख लिया, यानी कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज का हमें लेना है, वो ले लिया हमने। अब हम दूसरे साइड का लॉग निकालेंगे, वो भी इसी तरीके से निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉग, उसके बाद ब्रैकेट लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 1.02, फिर लेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है 8.600, क्लियर। तो हम यहाँ पे इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे 8.0600। यहाँ पे हमने 6 वैल्यू ली है, तो यहाँ पर भी हम इसको इस साइड पे भी हम 6 ही वैल्यू ले लेंगे, या 5 ले लें कोई मसला नहीं है, मैंने यहाँ 5 ले ली, क्लियर। तो हमने दोनों साइड्स के लॉग को पहले क्लियर कर लिया। अच्छा अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ हमने दोनों साइड पे आंसर तो निकाल लिया, अभी टू और टी है ये यहाँ आ जाएगा इस फॉर्म में लॉग, क्लियर। ये एक स्टेप और था जो मुझसे मिसिंग हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, टू टी लॉग लिखकर, यानी कि टू यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये इस तरीके से वैल्यू लिखी जाएगी, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है,
नेक्स्ट स्टेप में एक दफ़ा इसको मैं एक दफ़ा और उतारूंगी। क्लियर, यहाँ लिखेंगे 2t(8.60017)। और उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। कैसे, यहाँ पे 2t एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू किस, सॉरी अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद ये वाली जो वैल्यू से हम इसको ऊपर रख देंगे 43205, और यहाँ पर आ जाएगा 8.60017। क्लियर, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 0.04320 डिवाइडेड बाय 8.60017। हमारा आंसर आया 5.030। ये देखिए हमारा आंसर ये आया। तो हमारा आंसर आप पहले यहाँ देख लें, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। अब हम इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लिया, अब डिवाइड करके जो आंसर है वो लिखेंगे। तो हमारा आंसर ये आया भाई, ये देखें पहले आंसर देख लें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2t है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, 2t इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आया है 5.02373। ये मैंने पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज ले ली। क्लियर, अच्छा अब ये आंसर आने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे 2 और t है इसको भी तो हमें ख़त्म करना है। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में हमें टी मालूम करना है, टी हम इसको एसिडिस छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको लिखेंगे दोबारा, रीराइट करने के बाद डिवाइडेड बाय हम कर देंगे, इसके साथ जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवीजन की फॉर्म में। अब हम इसको कर देंगे इससे डिवाइड, यहाँ लिखेंगे 5.02373 और यह कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, क्या आया 2.511865। क्लियर, ALD। अब इसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती हुई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।